शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चंपा, तुम? बाकी बच्चे कहाँ हैं? और कोई नहीं आएगा दीदी, उनके माँ बाबा ने उन्हें आपके पास आने से मना किया है। वो कहते हैं कि आप अच्छे नहीं हो। ने इसको कितना संस्कारी समझा था, ये तो कुछ और ही निकली। मैं तो अपनी बेटी को इसके यहाँ नृत्य सीखने नहीं भेजूंगी, संगत का कहीं असर न पड़ जाए। समय और चीजें बदलते हुए देर नहीं लगती काकी, इतना सुनने के बाद सुनैना को अपने घर के आसपास भी नहीं रहने दे सकते हम। पर हम जानते हैं दीदी कि आप बहुत अच्छे हैं और सब बच्चे भी जानते हैं, हम सब बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं, सच्ची। ठीक है, अब अभ्यास शुरू करें, और तो कोई आ नहीं रहा, सब कुछ हमें ही संभालना होगा चंपा। हाँ दीदी। कहाँ जा रहा तू? माँ, हमने इस कार्यक्रम के लिए कितनी मेहनत की है, जाने दो ना, अगर गया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। कार्यक्रम के बाद तोड़ देना। अरे रुक, चल घर। माँ, मुझे अभ्यास करना, जाने दो ना। अरे रुको, हम आ गए दीदी, हम भी आ गए। तो अभ्यास शुरू करें? हाँ दीदी। हाँ दीदी। बेटा, माँ अम्बे तुम्हारा भला करे। क्या तुम भी माँ अम्बे के मंदिर जा रहे हो? नहीं, मैं अपनी माँ को खोज रहा था, मुझसे नाराज होकर पता नहीं कहाँ चली गई हूँ। कल रात से मैं ढूंढ रहा हूँ, उनसे दूर रहना मेरे लिए संभव नहीं है। जितना प्यार आप अपने बच्चे से करती हैं, उतना ही प्यार मैं भी अपनी माँ से करता हूँ। उन्हें देखे बिना तो मेरी सुबह भी नहीं होती। चिंता ना कर बेटा, तुझे तेरी माँ जरूर मिल जाएगी। एक बात कहूँ? कहिए। मैं गांव के अम्बे माँ के मंदिर जा रही हूँ, वहाँ बहुत बड़ी पूजा है, उसे महापूजा कहते हैं, और महापूजा के दिन अम्बे माँ सबका कष्ट हर लेती है। तुम भी चलोगे बेटा वहाँ? हो सकता है तुम्हारा भी कष्ट अम्बे माँ हर ले। वो अम्बे माँ तुम्हारी जन्म देने वाली माँ को मिला दे, हो सकता है बेटा। अब चलो। माता जी, काकी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं एक काम करता हूँ, आप दोनों को मंदिर तक छोड़ देता हूँ। इसी बहाने मैं भी अम्बे माँ के दर्शन कर लूंगा, उनसे प्रार्थना कर लूंगा। क्या पता आपकी बात सच हो जाए। ठीक है बेटा, चलो। इस सुनैना को गांव छोड़कर तो चले जाना चाहिए था, इसी में हम सबकी भलाई है। थोड़े समय की तो बात है, जैसे पूजा खत्म होगी वैसे तो चली जाएगी ना वो। नहीं नहीं, इस कलभी की परछाई भी हमारे बच्चों पे नहीं पड़नी चाहिए। हमें तो उस पंडित पर गुस्सा आ रहा है जो सुनैना को इस कार्यक्रम भाग लेने की अनुमति दे दी। इतना बड़ा दिन है तो बेकार की बातों में समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? माता जी की पूजा है, उस पे ध्यान दो। दीदी, फूल दे दो ना। फेंको इसे। माँ, दीदी ने कितने प्यार से फूल दिया था और पैसे भी नहीं ली मुझसे। पैसे देता भी कौन? इस चरित्रहीन के छूने से तो गंगा जल भी मैला हो जाए, ये तो बस फूल है। इससे तो मैं बताती हूँ। नहीं तारा, बोलने दे इन्हें। आज हमारे सुनने के दिन है, तो सुन लेते हैं। अगर माता रानी ने हमारी बात सुनी तो इन सबकी बोलती बंद हो जाएगी।
और वैसे भी आज हमारा आखिरी दिन है इस गांव में। मैं चाहती हूँ कि हम अच्छी यादें छोड़कर जाएं, इसलिए हम दिल लगाकर महापूजा को सफल बनाएंगे। हाँ दीदी। अच्छा तारा, दुकान बंद करते हैं और महापूजा की तैयारी करते हैं। अम्मा, कितनी दूर है अभी अम्मे माँ का मंदिर? बस बेटा, थोड़ी दूर और है। चलो। क्या हुआ, अधिराज कहाँ है? वो रानी माँ, मैंने अधिराज को महल के जंगल में हर जगह ढूंढा। मुझे लगा वो आपको वहीं ढूंढ रहे होंगे, पर वहाँ कहीं नहीं मिले। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। अब मुझे ही उसे ढूंढना पड़ेगा। ये लड़का चाहता क्या है? जो भी हो, लेकिन अपने लक्ष्य के बीच में किसी को भी आने नहीं दूंगी, भगवान को भी नहीं।